डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमएलटी हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट कलर्स ऑफ यूरिन एंड इट्स काजेज, यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशाब का रंग तब्दील हो जाता है। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल यूरिन का कलर क्या होता है। तो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है हल्का जर्द, और ये हल्का जर्द एक पिगमेंट की वजह से होता है और उस पिगमेंट का नाम है यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम उस वक्त बनता है जब हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन होती है, तो इसकी वजह से जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका जो रंग होता है तो वो हल्का जर्द हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लियर और ट्रांसपेरेंट यूरिन की, बिल्कुल पानी की तरह शफाफ यूरिन के कलर की, तो इसका मतलब होता है कि यूरिन नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है और हमारे जिस्म में जो पानी की मकदार है तो वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि हम पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से जो यूरिन का रंग होता है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है। अगला जो यूरिन का कलर है वो है बहुत ज़्यादा गहरा जर्द कलर का यूरिन, और इसका मतलब होता है कि जिस्म में पानी की कमी है और हम पानी ज़्यादा नहीं पीते जिसकी वजह से जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, जिसकी वजह से जो यूरिन का कलर है वो बहुत गाढ़ा जर्द हो गया है। अगला जो यूरिन का कलर है वो है ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर का यूरिन, और ये किस वजह से होता है, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें से पहले नंबर पर है डिहाइड्रेशन, यानी हमारे जिस्म में पानी की मकदार कम हो जाए, जिगर में बीमारी हो, बाइल डक्ट में कोई मसला हो, पोरफायरिया ब्लड इनहेरिटेड डिसऑर्डर हो, या जो लोग मटर बहुत ज़्यादा खाते हैं या कुछ मेडिसिंस की वजह से भी जो यूरिन का कलर है वो ब्राउन या ऑरेंज हो जाता है। अगला जो रंग है यूरिन का, अगर वो कहीं रेड या पिंक कलर का हो जाए तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात हैं गुर्दे में अगर बीमारी हो, मर्दों में अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाए, गुर्दों या मसाने का कैंसर हो या ट्यूमर हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या कुछ फ्रूट्स हैं जिसके खाने से भी यूरिन का कलर सुर्ख या पिंक हो जाता है, और वो फ्रूट्स हैं बीट्स, ब्लूबेरीज या फिर रूबाब। अगर यूरिन का कलर ग्रीन हो या ब्लू हो तो इसकी भी कुछ वजूहात हैं, और वो वजूहात हैं कोई जेनेटिक बीमारी है, कुछ मेडिसिंस की वजह से भी ग्रीन या ब्लू हो जाता है, कुछ खुराकों में डाइज या रंग इस्तेमाल होते हैं और अगर वो खुराकें खाई जाएं तो उसकी वजह से भी यूरिन का कलर ग्रीन या ब्लू हो जाता है, या अगर मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो लेकिन एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया की वजह से हो जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है सुडोमोनस एरोजिनोसा। यूरिन का कलर अगर क्लाउडी या टर्बिड हो तो इसकी भी वजूहात हैं, और वो वजूहात हैं कि अगर जिस्म में पानी की मकदार बहुत हद तक कम हो जाए, किडनी की कोई बीमारी हो या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो इन वजूहात में जो यूरिन का रंग होता है वो क्लाउडी या टर्बिड हो जाता है। यूरिन का रंग अगर क्लाउडी हो, टर्बिड हो, और साथ टर्बिडिटी या क्लाउडनेस के फोम जो है वो भी यूरिन में मौजूद हो, यानी फोमी यूरिन हो, तो इसकी वजूहात में जो वजह शामिल हैं वो है क्रोन्स डिजीज़, डाइवर्टिकुलाइटस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिन का कलर बिल्कुल मिल्की हो, दूध की तरह हो, तो इसकी वजूहात क्या हैं, तो पहली वजह है काइल्यूरिया, दूसरी वजह है यूरिन में क्रिस्टल्स का आना, इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरिन में फैट्स की आने की वजह से और यूरिन में म्यूकस की मौजूदगी की वजह से जो यूरिन का कलर होता है तो वो मिल्की हो जाता है। अगर यूरिन का कलर ब्लैक हो, बिल्कुल प्योर ब्लैक, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, तो इसकी वजह एक बीमारी है जिसे कहते हैं एल्केप्टोनूरिया। जिस्म में पानी की कमी की वजह से, कुछ खुराकों और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से, कुछ दवाओं की वजह से, मसल इंजरी की वजह से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से और हेपेटाइटिस सी की वजह से भी जो यूरिन का रंग होता है वो ब्लैक हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया एमएलटी हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल एमएलटी हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।